नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 26 अगस्त 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हम आज किन किन खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तकनीकी समिति ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर मालवेयर को लेकर और क्या दिए सुझाव। फिर अगली खबर रही हमारी पीएम की चूक को लेकर समिति ने क्या दिए सुझाव और किसे पाया दोषी। फिर जानेंगे कि झारखंड के सीएम को क्यों अयोग्य ठहराया सकते हैं और जानेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 में निरक्षरता से संबंधित क्या है कुछ प्रावधान। फिर जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम क्या है और लेबर कोड क्या है जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा। फिर जानेंगे ईडी के बारे में यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में और जानेंगे इससे संबंधित प्रावधानों। फिर जानेंगे कि क्या है दिल्ली सरकार की प्रदूषण से निपटने की 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान। कौन बने हैं डीआरडीओ को नए अध्यक्ष। फिर जानेंगे राष्ट्रपति जी ने क्या कहा लोक सेवकों को वंचित समुदाय के लिए। फिर कौन बनेंगे, फिर अगली खबर जानेंगे हम कि कौन बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। कल नहीं, चेंज ऑफ गार्ड होनर यानी कौन बनेंगे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि खाद्य तेलों के वजन के साथ क्या है तापमान का संबंध और क्या कहा उपभोक्ता मंत्रालय ने इसको लेकर। फिर जानेंगे कि भारत के पास कितना पर्याप्त मुद्रा भंडार है और इसके बारे में जानेंगे कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है। फिर जानेंगे कि दिवालिया कानून क्या है और इसको लेकर जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर भारत सरकार ने क्यों लगाया आटे के निर्यात पर रोक, इसको लेकर हम समझेंगे। और भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों किया रूस के खिलाफ मतदान, तो जानेंगे इसके पीछे के कारण और कूटनीति। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे विस्तृत एनालिसिस। किसी के फोन में नहीं मिला पेगासस वायरस, 5 में मालवेयर। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेलवेयर का एक प्रकार होता है। यह किसी कंप्यूटर में बिना इजाजत के प्रवेश करता है और उस कंप्यूटर की सारी निजी जानकारियां मालवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को भेज देता है। अंत एक बार किसी कंप्यूटर में स्पाईवेयर प्रवेश करने पर यूजर का पूरा डाटा चुराया जा सकता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जिस तरह हमारे दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल लोगों पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है, उसी तरह स्पाईवेयर भी कंप्यूटर में पहुंचकर कंप्यूटर द्वारा यूजर द्वारा इंटरनेट पर की जाने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखता है। परंतु इस बात की जानकारी यानी उपयोगकर्ता को नहीं होती है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो गठित तकनीकी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जो ये समिति थी कहीं ना कहीं जो पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तकनीकी समिति गठित की गई थी, जिनमें कहीं ना कहीं जो मोबाइल फोन को जो जांच में जो इजरायली पेगासस स्पाईवेयर के जो प्रयोग होने के लिए मतलब उसके साक्ष्य को देखकर कहीं ना कहीं इसको समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी। तो समिति ने कहा है कि स्पाईवेयर प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले। इन्होंने कहीं ना कहीं 29 मोबाइल फोनों की जांच की थी जिनमें से 5 में मालवेयर का पता लगाया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो पेगासस वायरस का ही प्रयोग था। तो समिति ने यह भी कहा कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों होने के कारण सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कहीं ना कहीं भारत में नेताओं पत्रकारों और प्रतिष्ठित लोगों की जासूसी करने के बारे में पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम की खबरों के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं दाखिल हुई थी जिनमें पेगासस जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। कहीं ना कहीं जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे,
आरवी रंद्रन की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का जो गठन किया गया था, जो पेगासस जासूसी कांड की जो निष्पक्षता जांच के लिए कहने के जो तकनीकी समूह गठित की गई थी, तो इसमें कितने तीन मतलब सदस्य थे, एक तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क हार्डवेयर से संबंधित विशेषज्ञ तीन समिति का गठित की गई थी। तो इस समिति ने क्या अपने सुझाव दिए, तो शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना समेत कई सुझाव दिए। तो समिति ने कहा है कि नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा, भविष्य की कार्रवाई, जवाबदेही, निजता की सुरक्षा में सुधार के लिए कानून में संशोधन और शिकायत निवारण तंत्र पर सुझाव दिए हैं। पीठ ने कहा कि कुछ उपचारात्मक कदमों का सुझाव दिया जा सकता है, निगरानी और निष्ठा के अधिकार पर कानूनी और प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए, दूसरा देश की साइबर सुरक्षा को बढ़ाना और सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, गैर कानूनी निगरानी की शिकायतों के लिए नागरिकों के लिए एक तंत्र की स्थापना का भी सुझाव दिया है, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो स्पाईवेयर है उनका दुरुपयोग रोकने और नागरिकों को कैसे संरक्षित व सुरक्षित किया जाए इस पर भी अपने सुझाव दिए हैं, तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है खबर। फिर चलते हैं हम अगली खबर पर। पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए फिरोजपुर के एसएसपी जिम्मेदार। तो कहीं ना कहीं साल जनवरी में पंजाब दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति ने अपने एक सुझाव दिए और जांच पड़ताल के बाद पाया है कि कहीं ना कहीं जो फोर्स थी और जो पूर्व सूचना के बाद भी जो फिरोजपुर के एसएसपी ने इस पर जो कार्रवाई नहीं की थी और अपने कर्तव्य निर्वहन में कहीं ना कहीं नाकाम रहे थे, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के उपाय पर भी कुछ सुझाव दिए हैं समिति ने। तो कहीं ना कहीं फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहे थे काफिला, और वहीं से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सीमा मात्र 10 किलोमीटर दूर था, तो कहीं बड़ी चूक होने की संभावना भी थी। तो इसी को देखते हुए जो फिरोजपुर के एसएसपी ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक तरह से नाकाम रहे हैं। पीठ ने कहा कि समिति ने रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वीवीआईपी की सुरक्षा के उपायों की जरूरत पर भी एक तरह से सुझाव दिए हैं। एक ओवरसाइट कमेटी गठित होनी चाहिए ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, जो समय समय पर ब्लू बुक की समीक्षा करे और उसका अपडेशन करे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ब्लू बुक क्या होती है, जिनमें प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिसमें केंद्र और राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियों की स्पष्ट भूमिका होती है। अब जानते हैं अगली खबर। अयोग्य ठहराए जा सकते हैं सोरेन, निर्वाचन आयोग ने भेजा राज्यपाल को मंतव्य। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरवा है उनका 70 खनन लीज आवंटन संबंधी जो ये मामला है उसमें गवर्नर ले सकते हैं सदस्यता रद्द करने का निर्णय। तो कहीं ना कहीं जो भारत निर्वाचन आयोग ने अवध खनन पट्टे मामले में कहीं ना कहीं जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से रद्द करने संबंधी मामले में अपनी रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी, यानी राज्यपाल को भेज दी है। आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल अब निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल अब लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं। तभी हम इसी पर जानेंगे जो प्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या है निरता से संबंधित प्रावधान, ये देख लेते हैं थोड़े सी को। राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों से लिया परामर्श और निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट मिलने के बाद सभी की निगाहें राजभवन पर। मान लीजिए कि इन्हों आयोग ठहराए जाते हैं तो ये क्या किया जा सकता कर सकते हैं, मतलब तो सिर्फ विधानसभा की सदस्यता से आयोग ठहराए गए तो क्या होगा, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के समक्ष विकल्प खुले रहेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर ये फिर से विधायक की बैठक बुलाकर नेता बन सकते हैं, और तो दावेदारी के बाद अगर राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया तो उन्हें विधानसभा में बहुमत परीक्षण से गुजरना होगा, यानी फ्लोर टेस्ट करवाना होगा, जिसमें इन्हें अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। हम देख लेते हैं कि जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या होती है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उस कम से कम विधानसभा के लिए उसने 25 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु
पूरी कर लेनी चाहिए। दूसरा है किसी जो संसद द्वारा निर्धारित जो अर्थ है वो भी होनी चाहिए। दूसरा उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद ने जो अर्थाएं निर्धारण की उनका भी पालन करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जो निहितार्थ के मतलब निरर्थाएं यानी अयोग्य ठहराने से संबंधित क्या प्रावधान है। यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यालय यथात किसी लाभ के पद पर हो तो उसे मतलब अयोग्य ठहराया जा सकता है। वह किसी सक्षम न्यायालय ने उसे विकृतचित घोषित कर दिया हो। दूसरा है वो दिवालिया हो चुका हो या कहीं ना कहीं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरहक घोषित कर दिया गया हो। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निहितार्थ निर्धारित की जो संसद के समान ही है। वे क्या है तो कहीं ना कहीं चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो। दूसरा है यदि किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं माना जाएगा। दूसरा तीसरा है वो निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो। चौथा है उसका किसी सरकारी ठेके कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि नहीं हो। पांचवा है वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंध की एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। छठा है वो भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो। सातवां है उसने विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घुसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता दहेज या सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहितार्थ संबंधित प्रावधान किए गए। अब चलते हैं अगली खबर पर। भारत ने यूक्रेन के मामले में रूस के खिलाफ किया मतदान। भारत ने बुधवार को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को लेकर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ वोट डाला है। तो हम आगे जानेंगे क्यों भारत ने ऐसा किया है। मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो के हीरोइन बरामदगी मामले में दिल्ली से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तो कहने का ये हमारे एक तरह से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है कि कहीं ना कहीं जो तस्करी है एक तरह से हीरोइन की या ड्रग्स की हथियारों की तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक तरह से चुनौती बनी हुई है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कहीं ना कहीं जो बरामद किए गए लगभग क्या ये हीरोइन किसने की है NIA ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तार आरोपी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। कहीं ना कहीं NIA ने कहा कि जो आरोपी थे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है जो अफगानिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में हीरोइन की तस्करी में शामिल है। हीरोइन को अफगानिस्तान से ईरान के अब्बास पोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में लाया जाता है और भारत के अन्य राज्यों में सप्लाई की जाती है जिनमें पंजाब हरियाणा और विभिन्न राज्यों में सप्लाई की जाती है। और कहीं ना कहीं शेल कंपनियों में भी और नार्कोटिक्स का भी आयात करता था कहीं ना कहीं ये NDPS एक्ट और UAPA के तहत कहीं ना कहीं इस पर मामला दर्ज किया गया है। तो हम एक बार मैप देख लेते हैं कि किस तरह से वो तो ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हो गया ये और कहाँ से आता था वो ईरान के ये बंदर अब्बास पोर्ट से। तो कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान से ईरान ईरान से बंदर अब्बास और अब्बास से कहीं ना कहीं अरब सागर से होते हैं मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट से कहीं ना कहीं जो ड्रग्स है वो पंजाब हरियाणा और भारत के अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं NIA ने यही पोर्ट पर ही उसको पकड़ लिया हीरोइन को और इसकी छानबीन की जा रही थी और क्या क्या इससे संबंधित जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। पर एक बार हम जो
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की हैक्टिंग उसके बारे में जान लेते हैं, यानी ये खबर हमारी कि पीएमएलए के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के फैसले के दो पहलुओं पर पुनर्विचार करेगा। तो पहले हम थोड़ा सा ईडी के बारे में समझ लेते हैं। तो यह है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, यानी राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। तो कहीं ना कहीं जो प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो कहीं ना कहीं धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। कहीं ना कहीं जो किन कानूनों के तहत कार्यवाही करता है, तो चार पांच कानून है जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और तीसरा है और चौथा है विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973, ये निरस्त कर दिया गया। तो जिसके थ्रू कार्रवाई करता है ईडी उसको देख लेते हैं। जो पीएमएलए 2002 है वो क्या है, तो एक तरह से एक अपराधी कानून जो कहीं ना कहीं धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है। कहीं ना कहीं इससे जुड़े या उससे आनुषिक मामलों की अपराध की जांच करता है। दूसरा है अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने और संपत्ति को स्थायी रूप से कहीं ना कहीं संलग्न करने का भी कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है इसके तरफ। तो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती भी सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा है फेमा 1999, ये एक तरह से नागरिक कानून है जिसमें विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधाओं से संबंधित कानूनों को समेकित यानी इंटीग्रेटेड और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं अधिनियमित किया गया था। विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के कहीं ना कहीं अन्वेषण करने, कानूनों का उल्लंघन करने वाले को न्याय निर्णय और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है इसके तहत। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो आर्थिक अपराधी रहते हैं जो भारत के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भागकर कहीं ना कहीं भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने के रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून लाया गया था, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, तो ये क्या भारत में आर्थिक अपराध करके इंग्लैंड है या दूसरे देशों में भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भगोड़े आर्थिक अपराधी को जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए उनकी संपत्ति को पूर्ण करने के लिए लाया गया था। तो इस तरह से हमने इस एडी को जान लिया, इस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर दिन कहीं ना कहीं चर्चा में खबरों में बनी रहती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भविष्य की जरूरत, मोदी जी ने कहा। कहीं ना कहीं तिरुपति में राज्यों के श्रम मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में पीएम का संबोधन, महिला शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकता है भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरत वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस, कार्यस्थल के प्रति लचीलापन और फ्लेक्सी वर्क हावर यानी काम के घंटों में सहूलियत के बदलते हुए यानी जो युग बदल रहा है उसमें काम की प्रवृत्ति भी बदलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो काम की प्रकृति बदलती जा रही है हमको उसके हिसाब से नीतियां तैयार करना चाहिए। दूसरा है कि जो भवन और निर्माण श्रमिकों की मदद दिए जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और आयुष्मान भारत के साथ मिलकर जो श्रमिक है उनके जीवन को और किसे सुरक्षित और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। भारत महिला शक्ति का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं लक्षित लक्ष्यों को कैसे तेजी से प्राप्त किया जा सके, महिला कार्यबल को और कैसे बढ़ाया जा सके, गैर संगठित श्रमिकों के लिए किस तरह से जो नेशनल पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन को और बढ़ावा दिया जा सके ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिले और उनके हितों को देखी की जा सके। लेबर कोड क्या है, तो लेबर कोड को कहीं ना कहीं जो श्रम संहिता संबंधित है यानी जिसमें श्रम से संबंधित नियम कायदे कानून का मतलब प्रावधान किए गए उसमें नियम है, तो 29 कानूनों को चार चार लेबर कोड में बदला गया है। इसमें श्रमिक के जो न्यूनतम वेतन, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मामलों में और सशक्त होंगे। उन्होंने कहा
नए लेबर कोड में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को भी सुधारा जाएगा। दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी शहरी जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लाखों इन युवाओं को कहीं ना कहीं नए बाजार को गति देने में भी, कहीं ना कहीं नई संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा और ग्लोबल ग्लोबल लीडर बनने में भी मदद मिलेगी। तो अब चलते हैं हमारी अगली खबर। तो अब जान लेते हैं कि प्रदूषण से जंग को तैयार होगा 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान। तो देख लेते हैं कि जो 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान क्या है। यानी पर्यावरण मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में पराली, कूड़ा जलाना, वाहन व धूल प्रदूषण व केंद्र व पड़ोसी राज्यों से समाप्त होंगे फोकस के बिंदु 5 सितंबर को कहीं न कहीं सभी संबंधित 33 विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्धारित करेंगे फोकस के बिंदुओं पर। तो कहीं न कहीं जो सर्दियों में प्रदूषण से जंग के लिए कहीं न कहीं जो 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लाया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, यानी जो सर्दी के समय बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य की संबंधित बीमारियां खड़ी होने लग जाती हैं, किसी को सांस से संबंधित, किसी को फेफड़ों से संबंधित। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं यह 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं वर्ष का विंटर एक्शन प्लान, पराली व कूड़ा के जलाए जाने, वाहन और धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, स्मोक टावर, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, ग्रीन वॉर रूम व ग्रीन ऐप को उन्नत बनाने पर फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं एक्शन प्लान के होंगे 15 फोकस बिंदु। तो क्या फोकस बिंदु रहेंगे इसके? तो कहीं ना कहीं पराली का जलाना, धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ओपन कूड़ा वार्निंग, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम व ग्रीन ऐप, हॉटस्पॉट, रियल टाइम सोर्स। कहीं ना कहीं जो रियल टाइम सोर्स अप्रोक्सीमेट स्टडी और कहीं ना कहीं जो स्मोक टावर, ई वेस्ट, इको पार्क, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पौधारोपण, अर्बन फार्मिंग यानी शहरी कृषि को बढ़ावा देना, इको क्लब, क्वालिटी इक्विटी यानी मतलब जन भागीदारी को बढ़ावा देना, पटाखे और केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक तरह से समाज स्थापित करना था कि किस तरह से वायु गुणवत्ता को और बेहतर सुधारा जा सके। तो चलते हैं हमारे विज्ञानी समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो समीर वी कामत को गुरुवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी ये समीर वी कामत जो पुराने जो अध्यक्ष थे कौन थे? सतीश रेड्डी जी। जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, यानी वो पुराने अध्यक्ष थे। तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा है और इनका जो कार्यभार रहेगा लगभग 60 वर्ष की आयु तक रहेगा। यानी वो 60 वर्ष की अगर आयु पूरी कर लेते हैं तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। अवसर से वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारे मुर्मू जी ने। कहीं ना कहीं जो समाज के सबसे निचले तबके के मिले कल्याण योजनाओं का लाभ 2020 के 175 आईएएस अधिकारियों ने की राष्ट्रपति से भेंट। तो लोक सेवकों को वंचित लोगों का कल्याणकारी योजनाओं और उनको सफल बनाने पर फोकस करना चाहिए। गरीब और समाज के सबसे निचले स्तर के जो तबके उन पर ध्यान देना चाहिए। समाज में सबसे वंचित व्यक्ति को तक पहुंचने और उनका जीवन कैसे सुधार जाए उस पर काम करना चाहिए और कल्याणकारी योजना को और किस बेहतर तरीके से मतलब लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी पहुंच तक बढ़ाई जाए, इस पर फोकस करना चाहिए। मानव विकास सूचकांक को और कैसे सुधारा जाए और किस तरह से भारत को प्रथम स्थान पर लाया जाए। लोक सेवकों को संवेदनशील होना चाहिए, बुनियादी ढांचों पर जबरदस्त सुधार करना चाहिए, सुदूर इलाकों तक सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय लोकाचार का हिस्सा रहा है। और इसी तरह जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को भारत में कुटुंबकम की भावना से अपने व्यवहार में हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये इस तरह से जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए तो कहीं ना कहीं वो हमारे टिक्स में भी काम आ सकते हैं। इन शब्दों का हम प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारी जो मेंस में हम हमारी आंसर राइटिंग और बेहतर कर सकते हैं। अदालत ने
आसान भाषा में निर्णय लिखे सुप्रीम कोर्ट। कहने का जो सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को अपने निर्णय आसान भाषा में लिखने की सलाह दी है ताकि केस से संबंधित लोगों उसे ठीक से समझ सके। न्यायिक लेखन का उद्देश्य जटिल भाषा की आड़ में पाठकों को भ्रमित करना या उलझाना नहीं है। असंगत निर्णय न्यायिक संस्थानों की गरिमा पर प्रभाव डाल सकते हैं। निर्णय लिखना कानून के शासन को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में खराब नियमों पर रोक लगाने के नतीजे से महत्वपूर्ण साधन है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारे जो न्यायिक सुधार से संबंधित विषय है उसमें एक तरह से ये पॉइंट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि किस तरह से न्यायिक सुधारों को और बेहतर किया जाए। उसमें आप क्या सुझाव दे सकते हैं या उसमें क्या पहले की जा सकती हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कवर रहेगी कि किस तरह जैसे लेटेंसी है या जो समय है, जो केस की जो पेंडेंसी उसको कम किया जा सके, किस तरह से टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से फैमिली कोर्ट्स हैं या लोक अदालतें हैं उनको और किस तरह से सुधारा जा सके ताकि जो अदालतें हैं उन पर जो कार्य का बोझ है वो कम से कम पड़े और वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। कल नहीं होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह, जो देश के नए प्रधान न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के कारण राष्ट्रपति भवन में जो शनिवार 27 अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन नहीं होगा। जस्टिस उदय मेश ललित शनिवार को भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे और उन्हें राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, तो ये समारोह क्या होता है यानी जो चेंज ऑफ गार्ड समारोह, इसमें क्या होता है कि जो सैन्य परंपरा है जिसमें शनिवार को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के एक नए समूह के कार्यभार संभालने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी जो अंगरक्षक होते हैं उनकी फेरबदली की जाती है एक तरह से। एक बार आप इसे जरूर पढ़िएगा अभिव्यक्ति को, भारत की बदलनी होगी अपनी चीन नीति। एक बार लैंगिक समानता का संदेश कहने के राज्य व्यवस्था से और मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जन कल्याण योजना और सब्सिडी का दायरा यानी जो मुक्ति की रेवड़ी पर चर्चा चली है उससे संबंधित ये विषय है यानी राज्य व्यवस्था और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। अब हम एक बार बिजनेस पेज को देख लेते हैं। खाद्य तेलों के पैकेट पर शुद्ध वजन लिखे कंपनी है, जो उपभोक्ता के हित में केंद्र ने तेल कंपनियों पर की सकती कहीं ना कहीं 15 जनवरी 2023 तक करना होगा पालन। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य तेलों के वजन और पैकिंग के मामले में घालमेल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने जो खाद्य तेल उत्पादकों आयातकों और पैकिंग इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों को तापमान के बिना उसकी शुद्ध मात्रा लीटर में घोषित करें। कहीं कहीं जो लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2021 के तहत जो उपभोक्ता के हित में सभी प्री पैकेज्ड उत्पादों पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाइयों के संदर्भ में शुद्ध मात्रा की घोषणा करना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने कहा है, मतलब जो उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि पैकिंग के समय तापमान के बढ़ने या घटने से वजन में नहीं होता कोई बदलाव, तापमान के आधार पर वजन की जानकारी लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह करती है ये कंपनियां। तो ये एक तरह से यहाँ रिकॉर्ड दिया गया है कि जो तापमान है यानी एक लीटर खाद्य तेल का तापमान और वजन में दिया गया है कि अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो 919 ग्राम वजन रहता है उसका लीटर का, और ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा वैसे वैसे कम वजन इनका कम होता जा रहा है। इसी को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर की है। आटे के निर्यात पर लगी रोक, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी था कि इससे क्या है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा है और जो महंगाई को एक तरह से नियंत्रित किया जा सके, यानी जो कैबिनेट कमेटी ने की बैठक में ये फैसला लिया गया कि गेहूं के जो आटे हैं उसको निर्यात को कहीं ना कहीं अभी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा ताकि भारत में महंगाई को रोका जा सके। दिवालिया कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी, तो कोटक इंडस्ट्रियल इक्विटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में दिवालिया कानून के तहत 332 मामले दर्ज किए गए, बीते वित्त वर्ष की
अवधि में ऐसे मामलों की संख्या 139 थी। तो अभी हम इसको जानेंगे कि जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट क्या होता है। तो उससे पहले एक ये देख लेते कि भारत के पास पर्याप्त मुद्रा भंडार या दबाव प्रदर्शन करने में सक्षम। तो कहने की जो रेटिंग एजेंसी S&P ने ग्लोबल रेटिंग्स में गुरुवार को कहा कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और इसकी बदौलत वह ऋण संबंधित दबाव बर्दाश्त करने के में सक्षम है। तो अभी हम जानेंगे कि जो मुद्रा भंडार है यानी फॉरेन रिजर्व क्या होता है। तो इससे संबंधित हमारी बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें यही रहेगी। तो अब एक बार हम इनसे संबंधित जो टर्मोलॉजी आई उसे समझने का प्रयास। तो पहले हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। यानी जो इंसॉल्वेंसी होती है उसमें दिवाला का एक वित्तीय स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था धन की अपर्याप्तता के कारण बकाया या ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है। और जो बैंकरप्सी होती है वो एक कानूनी अवधारणा है जिसमें अदालत एक व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देती है ऋणों के निपटान के लिए एक समाधान तंत्र की विफलता पर। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। यानी यह एक अदालती प्रक्रिया हो गई और इसमें व्यक्ति सक्षम नहीं होता है किसको अपने कर्ज को चुकाने के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता। तो अगर कोई फर्म या कंपनी कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाती है तो उसे IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है और उस कंपनी की सारी संपत्ति बैंक की हो जाती है जिसको नीलाम कर पैसे की उगाही की जाती है। तो इन दोनों में हमने बेसिक अंतर देख लिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? तो जब कोई देनदार बैंक को 90 दिन तक कर्ज का कोई भाग नहीं चुका पाता तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद कर्जदाताओं की सहमति से मामला IBC के अंतर्गत यानी NCLT में यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है और देनदार या लेनदार की याचिका स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास 14 दिन का समय होता है। अब ट्रिब्यूनल अगर इसे स्वीकार करता है तो इसके बाद 180 दिन के भीतर एक संकल्प योजना तैयार करने के लिए प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाती है और इसके बाद कोर्ट के द्वारा रेजोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है यानी शुरू की जाती है और इस अवधि में कंपनी का निदेशक मंडल निलंबित रहता है यानी अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसका कंपनी का। तो ये होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसका जब भी हम खबर पढ़ रहे थे ना तो उसी का जिक्र यहाँ हुआ है। IBC के तहत निपटान मामलों में कर्ज देने वालों को 90% राशि का नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसका जिक्र भी यहीं पर किया। तो अब जान लेते हैं हम फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार जिसे फॉरेक्स रिजर्व या FX या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा जमा राशि और केंद्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारियों के पास सुरक्षित बॉन्ड यानी सिक्योरिटी बॉन्ड इन सबका एक तरह से मिलाकर क्या बनता है? फॉरेन रिजर्व बनता है। विदेशी मुद्रा और सोना SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और IMF की आरक्षित भंडार की अवस्थितियां शामिल है। यानी इसके पास विदेशी मुद्रा हो गया, सोना हो गया, SDR। अभी इसको समझेंगे कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास आरक्षित इस सारे भंडार को मिलाकर कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व बनता है। मतलब सबका एक तरह से संगठन मिलकर कहीं ना कहीं फॉरेक्स का निर्माण करता है। तो केंद्रीय बैंक के कब्जे में सुरक्षित परिसंपत्तियां हैं जो विभिन्न मुद्राओं में आरक्षित हैं। अब जब हम इसकी SDR की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? तो कहीं ना कहीं अमेरिका का डॉलर और कुछ हद तक यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीन की युआन मुद्राएं शामिल है। तो विशेष आहरण क्षेत्र जिसके हम बात कर रहे थे कि जिसमें विदेशी मुद्रा सोना SDR और IMF के पास रखी भंडार शामिल होता है। तो पहले जान लेते कि SDR क्या है। तो सदस्य देशों के मौजूद भंडार के लिए एक पूरक के रूप में संचालित यानी एक तरह से सप्लीमेंट्री के रूप में है। 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक तरह से मौद्रिक आरक्षित मुद्रा की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार है। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खातों
को निपटाने का एकमात्र साधन के रूप में पहले सोने की सीमा और डॉलर के बारे में, मतलब पहले उपयोग किया जाता था, ताकि इससे कहीं ना कहीं एक तरह से डॉलर का उपयोग करने से कहीं ना अमेरिका का एक तरह से वर्चस्व भी बढ़ रहा था, तो उसके तहत किस तरह से विकल्प निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं फिर इन चार मुद्राओं को शामिल किया गया था कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तरलता को भी बढ़ाया जा सके, और दूसरा है कि जो अमेरिका के डॉलर है उसके वर्चस्व को बढ़ने से भी रोका जा सके, और एक इसका विकल्प भी तलाशा जा सके, जिसको बोलते हैं SDR। तो अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। तो यहाँ पर पेज धुंधला धुंधला आ रहा था, इसलिए हमने आपको वहां पर गूगल में दिखाया है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ किया मतदान। बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति के ऑनलाइन संबोधन को लेकर रूस ने रखा था मतदान का प्रस्ताव। तो कहीं ना कहीं भारत की प्रतिनिधि ने यूक्रेन युद्ध का तत्काल समाप्त कर आर्थिक चुनौतियों से निपटने की अपील की है। भारत ने बुधवार को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ वोट डाला है। तो सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कहने के जो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की ऑनलाइन संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। बैठक शुरू होते ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत यानी वासिली नेवेजिया ने जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में प्रक्रियात्मक वोट डालने का अनुरोध किया। इसके पक्ष में भारत समेत 13 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रूस ने इस निमंत्रण के खिलाफ मत नहीं दिया, और चीन ने तो वोट ही नहीं डाला। और जो राजदूत थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेलेंस्की की प्रतिभागिता का विरोध किया है एक तरह से। तो नियमानुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति को बैठक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना चाहिए था, ऐसा किसका कहना है, तो कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रीय मतलब राजदूत थे कहाँ के, रूस के उन्होंने। तो इस संयुक्त तो राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म कर विवाद का समाधान तो कूटनीतिक से समाधान निकालने की अपील की है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, विकासशील देशों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए 12वीं खेप भेजी है, और कहीं ना कहीं ये 24 फरवरी से ये रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तभी इसको 6 महीने होने आगे लगभग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान से। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत है यूएनएससी में हमेशा से ही मतदान से बचता आ रहा है। भारत ने रूसी हमलों की निंदा तक नहीं की, और दोनों देशों से कूटनीतिक वार्ता कर कहीं ना कहीं इस युद्ध को समाप्त करने की अपील करता रहा है। तो इसलिए हमारे दोनों देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत ने अभी तक इस पर कुछ वोटिंग में भाग नहीं लिया था और वोटिंग में शामिल भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कि आज भारत ने क्यों रूस के खिलाफ किया मतदान। भारत को अपना अनिवार्य साझेदार मानता है अमेरिका, पीएर। भारत ने कहा कि वह भारत को अपना अनिवार्य भागीदार मानता है। तो अमेरिका व भारत को रणनीतिक साझेदारी, एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की उन्नति के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। कहीं ना कहीं हमारे भारत अमेरिका रिलेशन से संबंधित है, कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका दोनों मिलकर कहीं ना कहीं क्वाड के भी हिस्सेदार हैं, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और स्वतंत्र प्रवाह के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा समझौते भी हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में और जो साझेदारी है, रिश्तेदारी है, संबंध और भी मजबूत और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और हाल ही में भारत और अमेरिका एक सैन्य अभ्यास भी करेंगे भारत में, तो इससे कहने के दोनों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी मजबूत होगी। और कहने के भारत अभी अमेरिका से हॉर्नेट जो रॉकेट है उसको हॉर्नेट जो रॉकेट है फाइटर प्लेन उसको भी खरीदने की बातचीत चल रही है, जो हमने कल देखा था। यूएन की रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या के समाधान की अपील। रोहिंग्या मुसलमानों के बांग्लादेश में शरण के लेने के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कहीं कहीं जो संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है UNHRC ने समस्या का समाधान के लिए कहा है कि जो म्यांमार में हिंसा
कहने के जो रोहिंग्य शरणार्थी थे वो बांग्लादेश पहुंच गए थे, और बांग्लादेश से कहने के भारत में पहुंच चुके हैं। तो कहने के एक तरह से मानवीय संकट गहरा गया है, जिससे कहने के जो बांग्लादेश में काक्स बाजार में जो विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी सिविल शिविर बना बन चुका है, जहाँ कहने के जो रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है। रोहिंग्या शरणार्थी की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। शरणार्थी शिविर में क्षमता से अधिक जो शरणार्थियों को रखा जा रहा है, और कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की स्थिति एक तरह से बदतर होती जा रही है वहाँ, तो इसी को लेकर ही चिंता जाहिर की गई है। क्राकाटोवा ज्वालामुखी में हुआ था सबसे बड़ा विस्फोट, तो 1883 में आज ही यानी डच इंडीज यानी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी द्वीप क्राकाटोवा में दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। इस द्वीप का दो तिहाई हिस्सा नष्ट हो गया था। जो कहने का जो विस्फोटक हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से 10 गुना विध्वंसक था, और सबसे बड़े मानवतावादी में से एक थी मदर टेरेसा। तो इनको हम कहें कि हमारी इथिक्स का जो पेपर होता है उसमें एक तरह से कूट कर सकते हैं, इनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो दुनिया के महान हस्तियों में से एक मदर टेरेसा यानी एग्नेस गोंचिया बोया जीजू का जन्म 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। तो 12 साल की उम्र में ही इन्होंने धार्मिक शिक्षा मतलब धार्मिक सेवा से जुड़ने का निश्चय बना लिया था, और 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर नन बन गई थी, और 1930 में मिशनरी स्कूल में पढ़ाने भारत में आई थी, और 1946 में अध्यापन छोड़ बेसहारा लोगों की सेवा का संकल्प लिया था, और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी इन्होंने, और 1979 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं हम इसे इथिक्स में कोट कर सकते हैं एक तरह से, वह इनका बारे में बता सकते हैं, इनकी जो सेवा धर्म था इनका उसको बता सकते हैं कि किस तरह से हमें मदर टेरेसा से सीखना चाहिए अपनी सेवा कर्तव्य निष्ठता के लिए। तब तो हम एक बार मैप का एनालिसिस करेंगे। तो हमने अभी मुंद्रा पोर्ट को तो देख ही लिया है, अब चलते हैं हम अमेरिका को, यानी जब भारत अमेरिका रिश्तों की संबंधों की बात आ रही है, तो एक बार हम नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसको देखते हैं। तो ये ऊपर कनाडा आ गया, ये नीचे यूएसए आ गया और मेक्सिको। तो इस नॉर्थ अमेरिका में जो तीन मुख्य देश है, तो कनाडा और उसके नीचे यूएसए और फिर मेक्सिको। तो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड स्टेट यानी जो अलास्का प्रांत है किसका है, अमेरिका। ये माउंट मैकिनले आ गए, इसकी हाईएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका की, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी 6,194 मीटर। ये कोस्ट माउंटेन्स ये रॉकीज माउंटेन्स आ गए इधर की साइड। ये मैकेंजी रिवर्स हो गई, कहाँ से निकल रही, तो ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है। ये ग्रेट बेयर लेक कहाँ आ गई, तो कहीं कनाडा में आ गई है, लेक अथाबास्का। और ये रेंडियर लेक, ये नेल्सन रिवर कहाँ से होकर बह रही, तो कहीं ना कहीं कनाडा से होकर बह रही। कौन सी जेल से निकल रही, तो लेक विनिपेग से निकल रही है। और ये कैनेडियन शील्ड आ गई, ये हडसन की खाड़ी आ गई, ये लेब्राडोर सी आ गई, और ये डेविस स्ट्रेट आ गई। तो डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ रही, तो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ रही है। ये बेफिन आइलैंड्स आ गया, ये विक्टोरिया आइलैंड्स आ गया, और ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये ग्रीनलैंड जो भी चर्चा में भी बना हुआ था, ये आइसलैंड आ गया, ये डेनमार्क स्टेट आ गई, किस किस को जोड़ रही है, तो ग्रीनलैंड सी, और कहीं कहीं लेब्राडोर सी यानी इधर अटलांटिक ओशन आ गया है। तो डेनमार्क किसको अलग करे, तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड को अलग कर रही है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। दूसरा है ग्रेट लेक्स बेसिन कौन सा है, तो ये वाला है, तो लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, इनसे कौन सी नदी होकर निकल रही है, तो सेंट लॉरेंस निकल रही है। कहाँ जाके गिर रही है, तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर रही है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है, उसके बाद कौन सी है, तो लेक हुरोन नदी है, फिर लेक मिशिगन है, फिर लेक एरी, फिर ऑन्ट्रियो नदी है। अमेरिका में स्थित पूरी तरह से स्थित कौन सी झील है, तो लेक मिशिगन झील है, और यहीं कहीं ना कहीं डेट्रॉइट शहर है या शिकागो है, जहाँ कहीं ना कहीं हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जो भाषण दिया था। ये सेंट्रल लोलैंड्स आ गई, और कहीं ना कहीं ये अटलांटिक गल्फ कोस्टल प्लेन्स आ गई,
ये एप्लेशियन माउंटेन्स आ गई, ये वॉशिंगटन डीसी आ गया, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, और इधर वॉशिंगटन आ गया। ये वॉशिंगटन है और ये वॉशिंगटन डीसी, हमको इसमें ध्यान रखना है, ये वॉशिंगटन की राजधानी सिएटल, और ये कैपिटल हो गई वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ से ये मिसिसिपी नदी निकल रही है, और ये मिसौरी नदी यानी मिसिसिपी जाके गिरती गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है, मिसौरी। इसकी जो लंबाई है, हमें यहीं से देखा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मिसौरी नदी सबसे लंबी है, लेकिन नाम इसका मिसिसिपी क्यों रखते हैं यहाँ, क्योंकि इसकी जो गहराई है मिसिसिपी की वो मिसौरी से भी ज्यादा है, ताकि जो मिसौरी है वो मिसौरी में, मतलब मिसौरी मिसौपी में जाकर गिरती है। और इधर से इसमें कहीं ना कहीं ओहियो नदी आ रही है, और ये टेनेसी नदी आकर मिल रही है किसमें, मिसिसिपी में, और ये ओहियो नदी किसमें आकर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मिसिसिपी नदी मिल रही है। और इधर ग्रेट सॉल्ट लेक आ गई है, ये स्नेक रिवर आ गई, किस साइड से होकर बह रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पश्चिमी साइड से होकर बह रही है। इधर कास्केड रेंज आ गई है, ये रॉकी माउंटेन किसके बीच में आ गई, तो कनाडा और यूएसए के बीच में आ गई। इधर डेथ वैली आ गई, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका का, -86 मीटर, ये कोलोराडो की नदी आ गई है। ये सियारा नेवेदा आ गई, कास्केडा रेंज, सियारा नेवेदा, ये सैन फ्रांसिको, लॉस एंजलस, सैन डियागो, ये कैलिफोर्निया का पेनिनसुला आ गया, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये रियो ग्रांटे नदी है जो कहीं ना कहीं यूएसए और मेक्सिको बीच में एक तरह से सीमा बनाती हुई निकलती है। ये फ्लोरिडा आ गया, जहाँ से कहीं ना कहीं अमेरिका अपने जो वो स्पेस के जो यान रहते हैं वो यहाँ से लॉन्च करता है। ये मेक्सिको, तो मेक्सिको में ये पश्चिम की साइड आ गया सियारा माद्रे, और इधर आ गया सियारा माद्रे ओरिएंटल, ये मतलब पूर्व पश्चिम की साइड में, मतलब इसके बीच में मेक्सिको आ गया, और ये मेक्सिको आ गई, और उसके बाद ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, इस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित है, कौन, यूएसए, ये क्यूबा, ये हवाना, ये द बहमास, किंगस्टन, जमैका, ये हेती, ये कैरिबियन सी। और ये चुकसी सी और बेरिंग के बीच में कौन सी होगी, संधि होगी, तो बेरिंग स्टेट किस किस को अलग कर रही, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट की जो अलास्का प्रांत है उसको रशिया से अलग कर रही है, इन दो सी के बीच में, तो चुकसी सी और बेरिंग सी के बीच में, ये ब्यूफोर्ट सी आ गया, ये आर्कटिक ओशन आ गया है। और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ गई हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, फिर नीचे कोस्टा रिका, और उसके बाद पनामा आ जाएगी। एक बार हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का, तो अभी हमने ये मैकेंजी नदी देख ली, ग्रेट डेयर लेक देख ली, ये अमेरिका हो गया, ये कनाडा वाला प्रांत हो गया बिल्कुल ऊपर, इसके जो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेरेटा, और इसके मोंटीबा, ये इसके क्या हो गए, प्रांत हो गए, ये ऑन्टेरियो, ये क्यूबेक, और ये दोनों के बीच में जिले अवस्थित हैं, ये वॉशिंगटन, ये सिएटल इसकी राजधानी होगी, इधर वॉशिंगटन डीसी आ गया पूर्व की साइड, और ये मेक्सिको हो गया, ये रियो ग्रांडे नदी हो गई, कोलंबिया की नदी, ये यूएसए, और ये डेट्रॉइट मिशिगन प्रांत में आ गया है, ये अटलांटिक ओशन हो गया है, कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर निकल रही है, यानी मेक्सिको के बीचों बीच होकर निकल रही है। ये हम पनामा, कोस्टा रिका, ये निकारागुआ, ये होंडुरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज, के कहीं ना कहीं एक तरह से सेंटर अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है, मध्य अमेरिका की कंट्रीज जिसे बोलते हैं, ये क्यूबा, जमैका, हेती, द बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये पीछे साउथ अमेरिका आ जाता है, ये कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये फ्लोरिडा जो चर्चा में बना रहता है, जब भी कोई नासा मिशन करता है तो फ्लोरिडा का नाम जरूर सुनने में मिलता है। उसके बाद चलते हैं हम ये मैप हो गया, इस अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे थे, तो हमारा विश्लेषण आज यही समाप्त करते हैं। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, ताकि हम आपने जो सुझाव दिए उन पर अमल करके और बेहतर से बेहतर आप तक कंटेंट पहुंचा सके। धन्यवाद आपका।